जम्मू के लिए आई विकास की सौगात, गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू में कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए लेकर आई गुड न्यूज, मासिक और दैनिक मजदूरी में हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रियों को सौगात, कोल्हापुर से मुंबई के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का किया उद्घाटन। त्योहारों के सीजन में रेलवे की तरफ से यात्रियों को सौगात, ट्रेनों में भीड़भाड़ के प्रबंधन के लिए खास रूटों पर दी जाएंगे 179 ट्रेनों की खास सेवाएं। दुबई में 16 हिंदू देवी देवताओं का भव्य मंदिर, दशहरे के मौके पर होगा उद्घाटन। पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी, गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन का आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी किया कन्या पूजन, हवन कर की पूजा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवमी के अवसर पर किया कन्या पूजन, भोजन कराकर लिया आशीर्वाद। रांची के दुर्गा पंडाल में दिखे लालू राबड़ी के पुतले, राजनीतिक हस्तियों के थीम पर बना पूजा पंडाल। रांची में महानवमी के दिन जवानों ने किया कन्या पूजन, साथ ही साथ जवानों ने किया शस्त्र पूजन। महानवमी के मौके पर जबलपुर के सरापा बाजार के दुर्गा पंडाल में दिखी भक्तों की भीड़, सोने चांदी के गहनों से किया मां का श्रृंगार। राम मंदिर की तर्ज पर सजा लखनऊ का दुर्गा पंडाल, भक्तों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। वाराणसी के सिद्धिदात्री मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, मंदिर में अनुष्ठान कर भक्तों ने की सुख शांति की कामना। हुगली में कागज और टिश्यू से बना अनोखा दुर्गा पंडाल, पर्यावरण सुरक्षा का दिया गया संदेश। कल 5 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयदशमी मनाने के लिए हो रही है जबरदस्त तैयारी। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का वीडियो वायरल, पति के साथ गरबा खेलते हुए आ रही है नजर। हरियाणा की बेटी जैस्मिन बनी भारतीय सेना टीम की पहली महिला बॉक्सर, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में जैस्मिन लंबोरिया ने जीता था 60 किलोग्राम लाइट वेट में कांस्य पदक। मेडिकल टूरिज्म में आईआरसीटीसी ने बढ़ाए कदम, अब यात्रियों को सफर के साथ मिलेगा हेल्थ पैकेज। पिथौरागढ़ के धारचूला में मौसम का बदला मिजाज, जमकर हुई बर्फबारी, पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। रायसेन में 65 साल की महिला का महिला पर कुदरत मेहरबान, नर्मदा नदी में 18 घंटे तक फंसे रहने के बाद जिंदा आई बाहर। फैजाबाद कैंट का नाम बदलने को मंजूरी, अयोध्या कैंट का होगा नया नाम। फिजिक्स का नोबल तीन वैज्ञानिक एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटन जेलिंगर के नामों का ऐलान, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च की। दिल्ली सरकार ने बदले ड्राई डे के नियम, अब त्योहारों में रहेगी शराबबंदी, पहले सिर्फ 3 दिन रहता था ड्राई डे। यूपी के श्रावस्ती में बना अनोखा विश्व रिकॉर्ड, 4,39,397 लोगों ने एक साथ धोए हाथ, मुहिम में छात्राओं ने लिया हिस्सा। शिक्षा के मोर्चे पर यूपी के सीतापुर से आई अच्छी खबर, 2 सरकारी स्कूलों को मिला ISO सर्टिफिकेशन।